Samsung Galaxy A83 5G। तो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वो सैमसंग का एक A सीरीज का एक प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। अगर आप ये प्लान करें सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन बाय करने का तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें ये स्मार्टफोन की तो ये जो स्मार्टफोन है वो इसी ही मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ सैमसंग इसको ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक साइड में और फ्रंट साइड में आपको पंचोल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग पैनल देखने को मिलेगा और ये डिस्प्ले आपको एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी जैसे कि आपको प्रीमियम स्मार्टफोन में देखने को मिलती है S सीरीज के, तो वैसे ही डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। यानी इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन से आने वाला स्नैपड्रैगन 870 जो कि एक काफी पावरफुल प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से। और अगर आप स्मार्टफोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर रैम वेरिएंट की तो यहाँ पर आपको 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो बहुत ही एक बड़ा स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से काफी एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। और वहीं पर अगर देखें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो कि आपको एक 3x ऑप्टिकल जूम लेंस देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरे की तो वो आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और इसमें आपको मेन कैमरे में 4K 30fps की और 60fps की वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिल सकती है। तो कैमरा वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप एक पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह क्लिक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी फोटोज देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। और लास्ट में अगर देखें स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ तो वो हमें देखने को मिलेगी 5000mAh की लाल बैटरी लाइफ जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। सो ये देखो स्पेसिफिकेशन जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी A83 5G की देखने को मिलती है। बात करें स्मार्टफोन के प्राइस और इसकी लॉन्च डेट के बारे में तो लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिल सकता है सैमसंग की तरफ से। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन आपको 50,000 का देखने को मिल सकता है। तो क्या ये डिवाइस 50,000 में एक वैल्यू फॉर मनी है या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप इस स्मार्टफोन को A73 से कंपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से A83 बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है। बट इसकी प्राइस अगर A83 की 45,000 तक हमें देखने को मिल जाए और A73 की थोड़ी सी कम हो जाए तो A83 बहुत ही एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है क्योंकि इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इसमें आपको टेलीफोटो लेंस का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन की आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज, कैमरा क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर इसकी प्राइस 45,000 देखने को मिल जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ वाला बेल आइकन दबाकर और तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।